नमस्कार, और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जो सोलिपैक्स पे, जहां जदयू की जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा वो पहुंची हुई है उनके पति रमेश कुशवाहा के साथ। मुखिया विजय चौधरी और तमाम नेता यहां पे पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें देख सके हैं, यहां के स्थानीय लोग भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, विजय लक्ष्मी कुशवाहा लगातार जनसंपर्क कर रही है, मोदी जी के कामों को जनता के बीच बता रही है, क्या लगता है इस बार फिर से मोदी जी? मोदी जी फिर इस बार 400 पार करेंगे और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी अपार मतों से विजय हासिल करेंगे। की जनता ने मूड बना, एकदम मूड बना लिया है। क्या लगता है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जाएंगी तो विकास करेंगे? एकदम करेंगे। रमेश कुशवाहा जी भी पहले विधायक रहे, रमेश कुशवाहा जी भी विधायक, जीरा देवी के विधायक रहे, जीरा देवी में बहुत विकास किए हैं रमेश भाई। सभी लोग साथ में एकदम, सभी लोग पूरा क्षेत्र में मोदी लहर है। अब की बार 400 पार होगा, उसमें कुछ और लोग सीट रहेगी। जी, विजय लक्ष्मी जी का विजय हो चुका है जी, सब लोग मूड बना चुके हैं और मोदी जी 400 पार करेंगे इस बार। कोई लड़ाई भी नहीं है, लड़ाई तो बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है। मोदी जी यहाँ से भी जीत, हाँ एकदम निश्चिंत, बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। गरीब विजय चौधरी जी है, हथौड़ा के मुखिया है, इनसे बात कर रहे हैं। मुखिया जी क्या कुछ कहेंगे, विजय लक्ष्मी जी के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है और सभी लोगों ने मन भी बना लिया है जो कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग संकल्पित हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। लोग अपना प्रतिनिधित्व क्यों चुनते हैं, काम करने के लिए। फेफड़ा कैंसर टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। तो उन्होंने लोगों, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी आम जन जन तक कार्य कर रहे हैं, तो काम करने वाले लोग को लोग चुनेंगे। लोग कोई भी भ्रम में हवा बिहार में लोग नहीं है, लोग इस बार राष्ट्र हित के ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए वोट करेंगे। और हम लोगों की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगी सिवान से। चलिए, विजय चौधरी जी मुखिया है हथौड़ा के, जिन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में लोग मोदी जी को देखते हुए वोट करेंगे, कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे बताइए। विजय लक्ष्मी जी लगातार जनसंपर्क कर रही है, मोदी जी के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि है, क्या लगता है चुनाव जीतेगी, लगता क्या है? मोदी जी इस बार फिर से 400 पार, जो सिवान सबसे अग्रणी रहेगा। विजय लक्ष्मी जी पे विश्वास है ना? निश्चित रूप से है, तो बिना विश्वास से कैसे जीतेगी भाई। रमेश कुशवाहा जी पुराने नेता हैं, जिलाधीश मित्र हैं, जीरादेई से विधायक, उससे पहले से भी हमारे मित्र हैं। चलिए इंद्र, क्या कहेंगे पूर्व जिला अध्यक्ष जी, लगातार जनसंपर्क कर, चुनाव है तो जनसंपर्क करने से तो हम लोग को समर्थन मिल रहा है और यह समर्थन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। हमें लगता है कि 25 मई को यहाँ रिकॉर्ड मतों से लोग विजय लक्ष्मी जी को विजय की माला पहनाएंगे। चलिए, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है।